कविता जी, तो ये बच्चे जो हैं वो कब से मिसिंग थे? अभी 3 3 महीना पूरा हो गया है। मैं थी जे लड़ाई शुरू किया ना, जून 6 में बतालो को गुम हुआ था, अच्छा, सिक्स को अभी। वो तो ये कहाँ से मिसिंग हुए थे? घर से गया है ट्यूशन के लिए, ट्यूशन खत्म होने के बाद वो घूमने गया था बिशेमपुर साइड में, और बिशेमपुर के थोड़ा आगे जाके एक बस्ती है खबुमदाम बोल के, एक रास्ता है उसे कुकी के एरिया नहीं है, फिर भी वो एरिया है वो कबुई लोग का, उसी में ऐसे ही घूमने गया था, उसी जगह से पकड़ कर लेकर गया है। अच्छा, और आपको इस न्यूज़ के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? अब ऐसा है कि वो 6 को लापता हो गया था, तो हम लोग उसका माँ बाप लोग ऐसे ही ढूंढता रहता है, ट्यूशन की जगह जाता है, दोस्त लोग को पूछता है कहाँ चला गया। और पहले उसका फोन नंबर तो चालू हो गया था ना, बेटी का लड़का का फोन से फोन किया था माँ बाप ने, तुम लोग कहाँ चला गया, ऐसा ऐसा पूछने के बाद उस टाइम में एक कुकी ने उठाया था फोन, फोन को एक कुकी कुकी का एक लड़का ने उठाया था और बोला ये फोन हमारा बेटी का है, तुम लोग कैसे पकड़ा, कैसे उठाया, ऐसा हम लोग ने पूछा था उसको, उसने बोला वो हमारा फोन है तुम्हारा फोन नहीं है, ऐसे बोलकर ना वो फोन ऐसे ही रखा और बंद कर दिया। और हम लोग ने साइबर क्राइम में जाकर ऐसे ही फोन नंबर दिया, ये फोन नंबर उसे उठाया है, ऐसा क्यों, ऐसे ऐसे साइबर क्राइम से तलाश करने के टाइम में हमको पता चला वो कुकी का लमदांग एरिया का एक तवार में उसका नेटवर्क मिला था। लमदांग तो कुकी का एरिया है उसका, वो मैंने नाम तो याद नहीं, हमारा फोन उसका लड़की उसका नाम तो भूल गया हमको, उसने पकड़ा था, उसको दूसरा सिम लगा के उठाया था, हमने EMI से पता चला ये फोन कुकी ने पकड़ा है, हमने जाके सिम मिनिस्टर को भी मिला, उसको भी बताया था हमारा बच्चा लॉस हो गया था, उसकी फोन कुकी एरिया में पकड़ा था, सिम दूसरा सिम डाल के पकड़ा था, और हमने ये बात सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह को भी बताया था, उन्हें डिटेल्स भी दिया था, ये सिम उसने पकड़ा हमारा बेटी का फोन है, वो लोग ने उठाया है, कुछ कीजिए ऑपरेशन कीजिए बच्चा मिल जाएगा फोन, अभी भी वो लोग उठाया, बहुत कोशिश किया हमने, धरना भी किया, बहुत कोशिश किया, अभी अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर कल रात को उसका फोटो पकड़ा हुआ फोटो और कुछ निकला था ना, उसी टाइम से हमारा पब्लिक लोग इकट्ठा किया, हम अभी क्या करेगा अभी सोच रहा है अभी अभी। अच्छा, तो आप लोगों को इंटरनेट पे फोटो से पता चला? हाँ इंटरनेट से फोटो से पहले पहले से पता भी चला है, वो लोग की बस्ती के एरिया ने बोला है तुम्हारा लड़की लोग कुकी लोग की एक गाड़ी जीप में जीप ला आके गाड़ी का सार जीप में डालकर लेकर गया है लमदांग एरिया में, ऐसा ही बोला है उस कुकी का आम वाला लोग ने पकड़ कर लेकर गया बोला। फिर भी हम कुछ नहीं कर पाया ना, उधर तो हम जा भी नहीं सकता, हमने पुलिस में रिक्वेस्ट किया, हम तो अभी जा नहीं सकता कुकी एरिया में, तो आप लोग जाइए तलाश कीजिए, वो एक फोन पकड़ने वाला लड़का को पकड़ने में मालूम हो जाएगा, ऐसा हम लोग ने बहुत कोशिश किया, फिर भी गवर्नमेंट साइड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेगा आज तक बैठा रहा। फिर भी उसके माँ बाप ने सोचा कभी हमको बेटी बेटा लोग वापस आ जाएगा, ऐसा सोचता, आज तक उसके कोई श्राद्ध भी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, फिर भी आज कल रात को पता चला ना, पूरा डेड हो गया, तो हम लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट को अभी क्या करेगा। उसका फोटो के साथ कुकी के लड़का की फोटो भी देखा था ना, हम लोग सोचा वो लड़का को एक बार पकड़िए वो तो सब मालूम हो जाएगा, ऐसा फिर भी गवर्नमेंट साइड से भी थोड़ा पता मालूम है उसको भी।
आपको गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से ऐसे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं मिला जब आपने हाँ, इस कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की पर रिस्पांस नहीं मिला ना। अच्छा, आपकी इनके इन बच्चों के घर वालों से बात हुई है अभी? कैसी अभी फोन उठाया नहीं है वो लोग। कल रात को मैंने लड़का का अज्जी को मैंने फोन किया था, उसने आप अज्जी की लोग के क्या आंटी करेगा अभी। हाँ, अज्जी को मैंने फोन किया था, की? अच्छा अभी क्या क्या कर रहा है। उसने बोला हमारा लोकेलिटी का मेरा भाभी लो एक कथा करके घर में बैठा है। अभी अभी भी सुबह में भी क्लब की हमारा लोकेलिटी का क्लब जो है ना उसका उसने फोन भी किया है हमको। अभी क्या करेगा, क्या अभी क्या कदम उठाएगा, तुम भी बाहर में है क्या करेगा हम लोग ऐसा। मैंने बोला तुम इकट्ठा करके इकट्ठा करने की बात मीटिंग करो, उसको मिनिस्टर की बात जाने की भी बात करो ऐसा मैंने बोला है उसको। अभी अभी वो लोकेलिटी में इकट्ठा करे, अभी क्या कौन सा एजिटेशन जाना है, क्योंकि वो फोटो के साथ कुछ ही का लड़का रो खड़ा था ना वो पकड़ने के लिए बोलेगा ऐसा कुछ बोला है वो लोग ने। ठीक है कविता जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।